बड़वानी जिले की नागलबड़ी पुलिस द्वारा नेशनल हाईवे पर ड्राइवरों को 3-4 हज़ार रुपये प्रति ग्राम में अवैध रूप से ब्राउन शुगर बेचने वाले पंजाब के तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चारों आरोपी निवासी ग्राम चंदे के थाना मेहता जिला अमृतसर पंजाब को गिरफ्तार किया है। आरोपी द्वारा पेटीएम से 3 लाख लोन लेकर अपनी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर अवैध मादक पदार्थ और हथियार तस्करी का काम शुरू किया गया था। आरोपी द्वारा पंजाब से ब्राउन शुगर लाना नेशनल हाईवे पर ड्राइवरों को बेची जाती थी, वही बड़वानी जिले से हथियार ले जाकर पंजाब बेचे जाते थे। आरोपियों के पास से पुलिस ने 120 ग्राम ब्राउन शुगर कीमत 4,80,000 रुपए, 2 पिस्तौल, 1 रिलावर, 2 बोरे के 7 देसी कट्टे, 5 नग जिंदा कारतूस, हुडई वर्मा कार, 3 मोबाइल जब्त किए हैं। अगलबड़ी पुलिस ने आरोपी जसवंत सिंह राजविंदर कौर अर्शदीप के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वही आरोपी के पुत्र हरसिमरन दीप के, जो कि पल्सर बाइक के साथ हथियार लेकर आया था। जैसा कि आपको विदित है, आगामी विधानसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए बड़वानी पुलिस के द्वारा समस्त प्रकार के अवैध गतिविधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई लगातार की जा रही है। आज सूचना तंत्र को पुलिस ने लगातार सक्रिय किया हुआ है। इसी तारतम्य में एक मुख्यमंत्री के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एबी रोड पर नागलवाड़ी थाना क्षेत्र में एक नई कार से 2 से 3 लोग आ रहे हैं और वो एक अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर की कुछ मात्रा लेकर आ रहे हैं और उसको विक्रय करने का उनका उद्देश्य है। उक्त सूचना प्राप्त होने पर नागलवाड़ी पुलिस टीम के द्वारा SDOP सेंधवा श्री कमल चौहान और ओवरऑल एडिशनल SP बड़वानी श्री मानसिंह ठाकुर के नेतृत्व में घेराबंदी की गई थी। घेराबंदी करने पर 3 लोग उक्त कार से कस्टडी में लिए गए, जिनके नाम जसवंत सिंह, राजविंदर कौर और अर्शदीप सिंह हैं। वो तीनों अमृतसर पंजाब के निवासी और उक्त तीनों से मुखबिर की बताई सूचना के अनुसार कुल 120 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा इसे पंजाब से लाना और हाईवे पर जो ट्रक ड्राइवर्स बेसिकली होते हैं उन्हें अपना प्राइमरी ग्राहक बनाते हुए प्रति ग्राम 4,000 रुपये के हिसाब से बेचना बताया गया। इसी के साथ जसवंत सिंह, जो कि मुख्य आरोपी, उनका एक और बेटा जो हरसिमरनदीप सिंह है, उसके बारे में भी पुलिस को सूचना मिली और आरोपियों से पूछताछ में पता चला, जिस पर हरसिमरनदीप सिंह को भी पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ा और उससे कुल 10 अवैध फायर आर्म्स पुलिस ने जब्त किए हैं, जिनमें 7 देसी कट्टे हैं, 1 रिवॉल्वर है और 2 पिस्टल हैं। जो पूरी गैंग से ओवरऑल पुलिस ने अभी तक पूछताछ की है, उसमें ओवरऑल जो घटनाक्रम सामने आया है कि उक्त 4 लोगों की गैंग पंजाब से अवैध मादक पदार्थ, स्पेसिफिकली ब्राउन शुगर लेकर आती थी और बड़वानी ज़िले में विशेष तौर पर हाईवे पर जितने भी ढाबे हैं और वहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर्स आते हैं उनको ये ब्राउन शुगर बेचते थे और इसका ऑपोजिट वो यहाँ से फायर आर्म्स लेते थे। और जितना अभी तक पुलिस इंटरोगेट कर पाई है, उक्त फायर आर्म्स को यहाँ से कम कीमत में खरीद कर पंजाब में बेचते थे। चारों को पुलिस ने कस्टडी में लिया है और चारों के विरुद्ध NDPS और आर्म्स एक्ट के प्रोविजंस के तहत केस कायम किए गए हैं। इसका जो मुख्य सरगना है जसवंत सिंह, उसको पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा और इससे विशेष तौर पर ब्राउन शुगर की खरीद फरोख्त में और भी अगर एंगल संभावित है तो उन पर पुलिस जांच करेगी और अन्य लोगों के अगर सामने नाम आते हैं। बड़वानी जिले से जयप्रकाश सोलंकी की रिपोर्ट।